दोस्तों, जानवर तो सभी को पसंद होते हैं। जानवर पालना भला किसको पसंद नहीं, और जानवर पालना हमेशा से लोगों का शौक रहा है, चाहे वह कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या ऐसे छोटे मोटे जानवर हो। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको ना पालकर बहुत खतरनाक और जानलेवा जानवरों को पालने का शौक रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे खतरनाक पालतू जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें पालना तो दूर की बात है, आप इन्हें छूना भी पसंद नहीं करेंगे। हिप्पो। दोस्तों, जेसिका नाम के एक हिप्पो को साउथ अफ्रीका के एक कपल ने अपने घर में पाल रखा है। सन 2000 में आई बाढ़ में यह फीमेल हिप्पो बहकर इस कपल के घर के सामने आ पहुंची थी। उस समय यह बहुत छोटी थी। इस हिप्पो को ऐसी हालत में देखकर इस कपल ने उसको अपने घर के अंदर ले जाकर उसका पालन पोषण किया, और उस दिन से जेसिका इसके परिवार का एक हिस्सा बन गई है। और अब जेसिका को यही लगता है कि यह कपल ही उसके असली पेरेंट्स हैं, और यह हिप्पो आज भी इस कपल के घर में ही रहना पसंद करती है। लिजार्ड। दोस्तों, इस छिपकली का असली नाम एशियन वाटर मॉनिटर है, लेकिन इस महिला ने इसको पालने के बाद इसका नाम रेक्स रखा है। दोस्तों, यह छिपकली दुनिया की सबसे वजनी और लंबी छिपकली है। इस महिला का कहना है कि इस छिपकली की उम्र 10 से 15 साल है। इस महिला को यह छिपकली एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर से मिला है, और उस समय इसकी उम्र मात्र 2 से 3 महीना थी। लेकिन अब यह कोई छोटी मोटी छिपकली नहीं है, अब इसका वजन 22 किलोग्राम हो गया है। दोस्तों, यह महिला इस छिपकली को टी शर्ट या गर्म कपड़े पहनाकर रखती है, क्योंकि छिपकलियों को खूब ज्यादा ठंड लगती है, और गर्मी प्रदान करने के लिए इसे रोजाना कपड़े पहनाए जाते हैं। क्रोकोडाइल। दोस्तों, जापान में रहने वाले इस आदमी का नाम मैन है, जिन्होंने एक मगरमच्छ को पाल रखा है। दोस्तों, आमतौर पर मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने मगरमच्छ को इतना अच्छा ट्रेंड किया है कि यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहा है। अब तो यह इतना पालतू हो गया है कि आस पड़ोस के बच्चे इसके साथ खेलना और सेल्फी लेना पसंद करते हैं। इस मगरमच्छ की लंबाई 2 मीटर और इसका वजन 46 किलोग्राम हो गया है। यह मगरमच्छ मैन के साथ 34 सालों से रह रहा है, और मजे की बात तो यह है कि मैन इसके दांतों को डेली ब्रश करते हैं। जब भी मैन अपने इस मगरमच्छ के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो कुछ लोग इनका दोस्ताना देखकर हैरान हो जाते हैं। हैना। दोस्तों, अपने गली मोहल्ले में बंदर, सांप और रीछ वगैरह के तो तमाशे देखे होंगे। यह जानवर अपने मालिक के पालतू होते हैं, मगर नाइजीरिया के नॉर्थन पार्ट में ऐसे खेल तमाशे दिखाने वाले को हाइना मैन कहा जाता है, क्योंकि इनके पास तमाशा दिखाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैना होते हैं। यह जानवर इतने खतरनाक होते हैं कि शेर और चीते जैसे जानवरों के भी नाक में दम कर डालते हैं, मगर नाइजीरिया में इसे पालतू जानवर बनाकर रखा जाता है और इसे खेल तमाशों में इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा करना इस देश में आम है। रेनडियर। दोस्तों, फिनलैंड के जंगलों में करीब 2 लाख से ज्यादा रेनडियर रहते हैं। उन्हीं में से एक या छोटा सा रेनडियर भी था जो बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक लड़के ने इसे रेस्क्यू कर लिया और वह उसको अपने घर ले आया, और तभी उसी दिन से यह रेनडियर उसके घर का एक सदस्य बन चुका है, और यह इंसानों के साथ समय बिताना बहुत पसंद भी करता है। अब यह रेनडियर फिनलैंड का सबसे ट्रेंड रेनडियर बन चुका है, और यह बाहर बाकी रेनडियर के साथ समय बिताने से ज्यादा घर के अंदर टीवी देखना पसंद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।